अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज ज़ैनब अली फ्रॉम ज़ैनब कुक हाउस। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुस्लिम स्टाइल चिकन यखनी पुलाव। बहुत सारे लोग इसे अखनी भी बोलते हैं, बट वो साउथ में, मुंबई में इसे यखनी पुलाव के नाम से जाना जाता है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही टाइम कंज्यूम नहीं करने वाला पुलाव और बहुत ही ईजिली बनने वाला। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका प्रोसेस। तो पहले आपको चिकन वॉश कर लेना है। अगर आप बहुत सारे क्वांटिटी में चिकन वॉश करना चाहते हैं और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो थोड़ा सा विनेगर ऐड कर लें, उसको थोड़ा देर भिगा के रखिए, अपने आप पूरा क्लीन हो जाएगा। वो दो तीन पानी से वॉश कर लीजिए। उसके बाद अब यहाँ पर पुलाव का जो बेस है वो है प्याज वगैरह, जो आप नॉर्मल देखते हैं वही है। तो स्लाइस में आपको प्याज को काट लेना है, ठीक है। बारीक बारीक स्लाइस भी कर सकते हैं, जो कि ये केटरिंग स्टाइल है तो आप एक एक चीज़ नोट करें, क्योंकि ये जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होती है। तेल ले लेना है, ओनियन डाल दिया है उसके अंदर, थोड़ा सा खड़े मसाले हैं जिसमें तेज़पत्ता, काली मिरी वगैरह और थोड़ी एक बड़ी इलायची डाली हुई है। तो ये बन रहा है 1.5 किलो का चिकन यखनी पुलाव, जिसमें 1.25 किलो चिकन जाएगा और 1 किलो जो है वो बासमती राइस जाएगा, और इसमें सिर्फ एक ही टमाटो जाएगा। सिर्फ एक टमाटो को आपको अच्छे से बारीक बारीक चॉप कर लेना है, ताकि आपका जो टमाटो यखनी में बहुत जल्दी पक जाए। इसके बाद आपको डाल देना है इसके अंदर गार्लिक पेस्ट, जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट और ग्रीन चिली पेस्ट। जैसा बता रहे हैं वैसा ही डालिए। तीनों एक साथ पीसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे आपका जायका ख़राब हो सकता है। तो ये जो पुलाव है बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। दिस इज़ अ बेसिक यखनी पुलाव। पुलाव बहुत सारे तरीके के होते हैं, बट ये जो मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत ही बेसिक है, ठीक है। इसके बाद आपको डाल देना है चिकन। चिकन आप अगर बोनलेस बनाना चाहते हैं तो बोनलेस पे उतना मज़ा नहीं है, विथ बोन के साथ ज़्यादा मज़ा है, क्योंकि उसका जो यखनी बनेगा, ब्रॉथ बनेगा, दैट इज़ वेरी टेस्टी। अब गया इसके अंदर बारीक कटे हुए टमाटर, ठीक है। तो टमाटो आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको नहीं पसंद है ज़्यादा तो, बट वैसे भी इसमें एक टमाटो है, वो तो कहाँ चले जाना है वो आपको खुद ही पता नहीं चलेगा जब आप खाएंगे तब, क्योंकि एक टमाटे का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसमें गया सॉल्ट। तो जो लोगों को सॉल्ट नहीं दिखता है, आप देख लीजिए सॉल्ट डाला हुआ है। और सॉल्ट डालने के बाद आप थोड़ा चेक करें कम है या ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद आप अच्छे से भून लीजिए। इसे इतना भूनना है जब तक कि इसमें एक अच्छा सा ब्राउन कलर ना आए। अब यहाँ पे इन्होंने डाला है रोज़ वाटर, ठीक है। रोज़ वाटर से अच्छा एक फ्लेवर तो नहीं, बट एक अच्छा फ्रेग्रेंस आएगा। अगर आर्टिफिशियल अगर आपको डालना है तो आप वो डाल सकते हैं। यहाँ पे गया थोड़ा सा दही। जब आप दही डालें तो फ्लेम जो है वो बहुत लो कर दीजिए, वरना दही आपका फट सकता है। यहाँ पे गया धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। अब इसे डाल के आपको भून लेना है। थोड़ा सा आलू। जब चिकन का कलर चेंज हो जाए उसमें आपको डाल देना है छोटे कटे हुए आलू। आप स्किप भी कर सकते हैं, बट इससे अच्छा टेस्ट आएगा। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। इसको अच्छे से आपको पका लेना है, ताकि चिकन अच्छे से कुक हो जाए अराउंड 80% तक। बहुत ही सिंपल पुलाव है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत सिंपल, बहुत ही बेहतरीन। अगर आपके पास वक्त नहीं है, गेस्ट ज़्यादा है, तब आप ये बना सकते हैं। इसके पहले जमजम पुलाव का भी मेकिंग अपलोड है चैनल पे, उसका लिंक आपको दिया गया है, आप उसे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे गया दावत की बासमती राइस, ठीक है। तो आप नॉर्मल कोलम राइस में भी बना सकते हैं, बट जो कि ये केटरिंग स्टाइल है इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है बासमती राइस दावत का। यू कैन यूज़ एनी ब्रांड, वॉट एवर यू लाइक, बट द टेस्ट इज़ वेरी नाइस ऑफ दावत बासमती राइस। अब आपको इसे दम पे देके इसे अच्छे से कुक कर लेना है। दम में जलाने का ना, पानी जब सूख जाए तो इसके ऊपर आपको डाल देना है जीरा और थोड़ा सा कड़ी पत्ता, और दम पे रख देना है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद आपको एक तड़का तैयार करना है, जो कि बहुत सिंपल तड़का है।
ऑलरेडी उसके ऊपर जीरा और कड़ी पत्ता है, तो आपको सिर्फ ऑयल उस पर गरम गरम डाल देना है और आपका यखनी पुलाव तैयार है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट रेसिपी कौन सी चाहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ या मेकिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।